नमस्ते फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं मंदिरों में बनने वाली भंडारे वाली दाल जो अक्सर बेहद स्वादिष्ट होती है तो इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया लहसुन थोड़ी सी अदरक और जीरा इसे से पीस लेना है उसके बाद चाहिए तीन कटोरी पालक दो तो टमाटर एक प्याज और कड़ी पत्ता तो इसे सभी चीज़ों को अच्छे से धोकर मैंने बारीक बारीक काट लिया है ध्यान रहे पहले आप पालक को अच्छी तरह धो ले उसके बाद ही इसे काटें जिससे इसके विटामिन नष्ट नहीं होंगे पत्तियों वाली सब्जियों में ये बात हमेशा ध्यान में रखें तो सबसे पहले हमें तेल गरम करना है कढ़ाई में तेल अच्छी तरह गरम हो गया उसमें राई डालें फिर थोड़ा सा जीरा अब डाल दें प्याज प्याज को अच्छी तरह भूनना है हमें करीब दो से तीन मिनट के लिए उसके बाद इसमें डाल दें जो हमने पीसा हुआ मिक्सचर था हरे धनिया का वो अभी से अच्छी तरह पीसें ताकि लहसुन में का कच्चापन भी पूरी तरह से निकल जाए कम से कम इसे तीन से चार मिनट तक अच्छी तरह भून लें उसके बाद कड़ी पत्ता डाल दें अब डालें इसमें एक चम्मच बेसन जी हाँ चने की दाल का बेसन डालने से ही हमें जो एक्चुअल टेस्ट है जो मंदिरों में मिलती है दाल वो टेस्ट हमें आएगा इसे अच्छी तरह से भूजना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए हम अगर चाहे तो तेल में भी बेसन डाल सकते थे लेकिन उसमें जलने का खतरा होता है इसके लिए हम ये लहसुन वगैरह मिश्रण डालने के बाद ही बेसन डालेंगे ताकि वो जले भी ना और अच्छी तरह से उसका एक नटी नटी सा फ्लेवर आता है जो दाल का जो भंडारे वाला टेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इसीलिए ये ध्यान रखें हमेशा एक चम्मच से एक से डेढ़ चम्मच बेसन डालना है अब यहाँ डालें दो चम्मच लाल मिर्च और हल्दी पाउडर अब यहाँ मैं डाल रही हूँ फली दाने और नारियल का पाउडर है जिसमें मैंने लाल मिर्च और जीरा डालकर बीसा था फिर डाले टमाटर जिसे अच्छी तरह से हमें पूरी तरह से पकाना है पूरे मैश होने तक जब ये पूरे अच्छी तरह से मैश हो जाए अच्छे से इसे मैश कर ले चम्मच से चम्मच की मदद से अब डालें इसमें पालक पालक को अच्छी तरह सभी मिश्रण के साथ एक जान कर ले अच्छी तरह से इसे मिलाए अच्छी तरह से मिल चुका है अब डालें इसमें एक कप पानी जिसकी मदद से जो पालक है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और अब इसे थोड़ी देर कम से कम पाँच से छः मिनट तक ढक कर पकाए ताकि पूरे मसाले और पालक सब अच्छी तरह आपस में मिल जाए इसे ढक दें आप करीब पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट बाद हमारी जो पालक है वो काफ़ी अच्छे से पक चुकी है अब इसमें डालें एक चम्मच गरम मसाला एक चम्मच गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें सी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है पालक टमाटर सारे मसाले एक आपस में मिल गए हैं अब इस स्टेज पे हमें दाल जो है वो हमारी तुअर की दाल मैंने पहले से पका कर रखी थी वो हमें इसमें मिला देनी है अच्छी तरह से मिलाए ताकि पूरे मसाले पालक का मिश्रण दाल में पूरा अच्छे से घुल जाए इसकी जो थिकनेस है आप अपने हिसाब से रखें आपको जैसे पतली चाहिए पतली या गाढ़ी चाहिए गाढ़ी मैं यहाँ इसमें कम से कम एक कप पानी डाल रही हूँ उसके बाद डालें नमक स्वादानुसार अच्छी तरह से मिला लें नमक डालने पर हमेशा याद रखें नमक हमेशा लास्ट में ही डालें किसी भी चीज़ में ताकि आपको फिर जो उसकी अमाउंट के हिसाब से नमक का जो अंदाज़ा है वो सही सही होता है मगर आप पहले नमक डाल देते हो और मिश्रण कभी कम होता है और बाद में ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस समय नमक कम ज़्यादा हो जाता है सी हमारी दाल रख हो गई है और उसे दो मिनट आने के लिए छोड़ें वाह दो मिनट के बाद देखिए कितनी शानदार दिख रही है हमारी दाल अब खाने के लिए रेडी है आप इसे गर्मा गर्म पराठे चावल नान किसी भी चीज़ के साथ परोस सकते आप एक बार रेसिपी ज़रूर बना के देखिए और प्लीज़ प्लीज़ रेसिपीज़ को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद